Hello students, now today we have to discuss remaining part of miscellaneous exercise on chapter number 5 and question number 17 is if alpha and beta are different complex number with mod beta is equal to 1 then find the value of mod beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar beta. एनसीईआरटी का आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन है. तो यहां पर हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि मॉड बीटा की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है यहां से, और आपको फाइंड आउट करना है मॉड में बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो देखिए हम यहां पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर हम आपसे बात करें कि मॉड जेड स्क्वायर, तो मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है जेड इंटू जेड बार. ये हमारे पास होती है मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू. तो देखिए यहां से हम कंसिडर कर रहे हैं, एज वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट कि अगर हम यहां से वैल्यू लेते हैं मॉड में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का क्या होगा, बार हो जाएगा. फिर अगेन अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि जेड वन अपॉन जेड टू का अगर हमारे पास क्या गिवन है, बार गिवन है, तो Z1 अपॉन Z2 का जो बार होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार. तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आएगी बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ पर आप कर सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का बार और डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार हो जाएगा. फिर यहाँ से आपके पास अगेन प्रॉपर्टी होती है कि Z1 माइनस Z2 का बार, ये वैल्यू होती है Z1 बार माइनस का Z2 बार हो जाएगा. तो जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा बार माइनस का अल्फा बार डिवाइड बाय यहाँ पर 1 का बार 1 हो जाएगा अल्फा बार का बार, यानी Z1 बार का होल ऑफ बार, ये हमारे पास वैल्यू होती है Z1. तो अल्फा बार का बार ये आ जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा बार, क्योंकि अगर हम बात करें कि Z1 इंटू Z2 का बार करें तो ये हमारे पास होता है Z1 बार इंटू Z2 बार होता है. तो इसका जब अलग अलग बार लेंगे तो अल्फा बार का बार हमारे पास अल्फा हो जाएगा और बीटा का आपके पास बार हो जाएगा. अब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा बार का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी बीटा बार माइनस का अल्फा बीटा बार, फिर ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बार बीटा और प्लस का अल्फा अल्फा बार हो जाएगा, डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा बार और प्लस का हो जाएगा अल्फा अल्फा बार और इनटू बीटा बीटा बार हो जाएगा. फिर अगेन हम इस प्रॉपर्टी की बात करें कि z इंटू z बार हमारे पास मॉड z स्क्वायर होता है, तो बीटा इंटू बीटा बार, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी मॉड बीटा स्क्वायर और ये हमारे पास है अल्फा बीटा बार माइनस का अल्फा बार बीटा, और ये हो जाएगा मॉड में अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस का अल्फा बार बीटा, और ये हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर. हमारे पास वैल्यू गिवन है कि मॉड बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हमारे पास है अल्फा बीटा बार माइनस का अल्फा बार बीटा है और प्लस में हमारे पास है अल्फा स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर है. यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बार बीटा और ये हो जाएगा मॉड में अल्फा स्क्वायर और मॉड बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो कैंसल आउट हो गई, तो वैल्यू आपके पास आ गई 1. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू आ रही है मॉड में बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को निकालें मॉड में बीटा माइनस अल्फ़ा, वन माइनस अल्फ़ा बार बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। अगेन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस मॉड वन माइनस आई की होल पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कह रहा है, मॉड में वन माइनस आई की होल पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो मॉड होता है, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड निकालें तो वो होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर मॉड में वन माइनस आई का स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में हमारे पास होगा रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस वन का स्क्वायर, और इसकी होल पावर में आपके पास एक्स गिवन है और ये हमारे पास हो जाएगा टू की पावर एक्स। वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी अंडर रूट टू की होल पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। ये पावर है वन बाई टू का, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे घातांक के नियम से, ठीक है ना, सॉरी इंडिसेस के नियम से, ए की पावर एम की होल पावर एम, ये होता है ए की पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पर रूट टू का मतलब होता है पावर वन बाई टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू की पावर में एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट टू की होल पावर एक्स को हम ले सकते हैं टू की पावर में एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा टू की पावर एक्स। इसको आप यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे, देन टू की पावर एक्स डिवाइड बाई टू की पावर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन, ये पावर आपके पास माइनस में हो जाएगी। इंडिसेस का नियम कहता है कि ए की पावर एम अपान ए की पावर एन, ये होता है ए की पावर एम माइनस एन। तो एक्स में जब एक्स बाई टू को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी टू की पावर एक्स बाई टू, और आप जानते हैं किसी की भी पावर जीरो हो तो इसकी वैल्यू वन होती है, तो अगर हम टू की पावर जीरो करें तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो यहाँ पे वन को हमने लिख लिया टू की पावर जीरो, बेस सेम कर लिया। अब इसकी कंपेयरिंग कर देंगे पावर्स की, तो एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। देयर फॉर द सोल्यूशन ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, देयर फॉर द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन आई आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। देयर फॉर द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज जीरो, ये हमारे पास वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हैं इसका नो सॉल्यूशन हमारे पास कह सकते हैं। चलिए यहां पर आप हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। इफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू, हमारे पास है ए प्लस आई बी और आपको प्रूफ करना है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है सॉरी अंडर रूट नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर हमारे पास है ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हमारे पास कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। और यहां से हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, और ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस आई बी। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दोनों आपके पास दोनों साइड्स पे हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स पे हमने क्या किया इसका मॉडुलस टेक कर लिया, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ
जी प्लस आई इंटू एच एंड इज इक्वल टू मॉड में ए प्लस आई बी। हमने यहाँ पर दोनों साइड्स में मॉड टेक कर लिया है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने जब मॉडुलस टेक कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अगर हम बाद में बात करें, यहाँ पर मॉड बात करें कि मॉड में जेड वन इंटू जेड टू बार, ये हमारे पास अलग अलग मॉड के इक्वल होता है, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। तो ये सब इंटू में है तो इन सब का अलग अलग मॉड हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी मॉड में ए प्लस आई बी, और ये हो जाएगा मॉड में सी प्लस आई डी, ये हो जाएगा मॉड में ई प्लस आई एफ, और मॉड में हो जाएगा जी प्लस आई एच, और इज इक्वल टू मॉड में ए प्लस आई बी। और मॉड में क्या होता है भाई, वैल्यू होती है रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको रूट रहना है पूरे का रूट यहाँ पे, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारे पास हट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ 1 प्लस आई की होल 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। यहाँ पर गिवन है हमारे पास 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 प्लस आई में 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल पावर में m इज इक्वल टू 1, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा होल पावर में 1 m हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी i की पावर m इज इक्वल टू 1। अभी आप जानते हैं कि जो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा i की पावर 4, ये वैल्यू आ जाएगी 1, तो दैट विल बी, इसका मतलब ये हो गया कि i की वैल्यू हम रख सकते हैं i की पावर 4। तो बेस आपके पास सेम हो गया, कंपेयरिंग कर दीजिए तो m इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4, तो ये हमारे पास क्या है m की वैल्यू है। ओके तो इस तरीके से आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, आगे का चैप्टर आपके पास। ओके आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।